अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वो ऐसे कि आज हम आपको बताएंगे कि एटीएम कैसे यूज़ करते हैं, पैसे कैसे निकालते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह पूरी डिटेल में वीडियो होगी। उससे पहले जिस भाई ने अभी तक मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो को एंड तक देखें, पूरी डिटेल से वीडियो होगी और भी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो चलते हैं जी, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि एटीएम को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है? पूरी डिटेल वीडियो होगी, एंड तक बाद में देखिएगा। चलते हैं एटीएम पर। तो जी, यहाँ हम आ गए हैं एटीएम पे। ये पब्लिक एटीएम है, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जी, ये याद रखिएगा, जब ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही होगी या एरो का निशान दे रहा होगा, मुख्तलिफ होते हैं, पर ग्रीन लाइट लाजमी आएगी, तब आपने एटीएम एंटर करना है। अदरवाइज एटीएम एंटर नहीं करना। तो हमारा एटीएम मशीन ने अंदर ले लिया है। तो सबसे पहला आएगा आपका, जो आपने सेट किया हुआ है, जो आपको बैंक की तरफ से कोड मिला है, वो कोड डिजिट कोड आपने एंटर करना है। तो ये थोड़ा सा पर्दे में प्रोसेस करना है, जैसा कि मैंने किया है। तो इसको थोड़ा सा पर्दे में करके हमने एंटर कर दिया। तो जी, हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, और इस इधर हमने वेट करना है, ना कि हमने किसी बटन को टच करते रहना है दोबारा, क्योंकि कोई मशीनें होती हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं। तो जी, यहाँ हम अपनी अमाउंट एंटर करते हैं। हम एंटर करते हैं फिलहाल के लिए, हमने जैसा कि निकालने हैं 25,000। तो हम इधर 25,000 को क्लिक करते हैं, तो हम इधर से विड्रॉ करते हैं। ये रसीद कह रहा है आपको चाहिए, हमें रसीद नहीं चाहिए, हमने गो ग्रीन कर दिया वो इसलिए क्योंकि हमें मैसेज आ जाता है, रसीद पे अलग से चार्जेस होते हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए थे। तो जी, इनके पास इतनी अमाउंट नहीं थी, तो हमने दोबारा से एंटर किया। हमने कम अमाउंट डाली, 25 की जगह 10,000 डाला, तो फिर उसने हमें 10,000 मशीन से निकाल के दे दिया था। तो जी, इतनी सी ये प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।